नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा एक्सप्रेस से कॉलम पेश है तिब्बी तोहमात से घबराइए नहीं। कॉलम निगार हैं वुस्सत उल्लाह खान और आवाज़ है मलिहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। याहिया जाफरी कोरोना से मुतासिर पहले पाकिस्तानी शहरी थे। उन्हें 26 फरवरी को आइसोलेशन में भेजा गया और वो सेहतयाब भी हो गए, मगर जैसे ही उन्हें कोरोना से मुतासिर डिक्लेयर किया गया किसी ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया कर दी और कुछ चैनलों ने तस्वीर के साथ खबर भी नशर कर दी। तिब्बी व सहाफ़ती अखलाकियात की धज्जियाँ तो बिखरी हैं, मगर याहिया और उनके अहल खाना के लिए सबसे तकलीफदेह मरहला कोरोना से भी ज़्यादा लोगों के गैर हमदर्दाना और किसी हद तक सफाकाना तबसरे थे। इब्तदाई दिनों में लाहौर में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ। जब डिफेंस में किसी खातून के बारे में मालूम हुआ कि उनमें कोरोना के आसार हैं तो महकमा सेहत वाले बजाय उनके यहाँ खामोशी से जाते और करंटीना और ज़रूरी एहतियातों के बारे में आगाह करते, पुलिस की नफरी के साथ घर का मुहासरा कर लिया। महल्ले वाले और राहगीर भी जमा हो गए कि देखें तो कोरोना का मरीज़ कैसा होता है, कहीं उसके सींग तो नहीं होते। ऐसा माहौल बन गया गोया इश्तिहारी मुजरिम हाथ आ गया हो। उसके बाद मीडिया पर कुछ और फुटेज भी वायरल हुई जिनके बारे में कहा गया कि ये सरकारी करंटीना के हैं जहां कोरोना के मुश्तबा मरीजों को रखा गया है, मगर ये लोग करंटीना के नाम पर मुकफ़िल हैं, ना उनके पास खाने को है ना पीने को। कई लोग दिल और शुगर के मरीज़ भी बताए गए जिन्हें दवा तक रिसाई नहीं थी। इस गैर जिम्मेदाराना तमाशे और अफरा तफरी का नतीजा ये निकला कि जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे मामूल के मसाइल दरपेश थे वो भी डर के मारे दबक गए या घर वालों ने उन्हें छुपा दिया। बहुत से रूपोश या फरार हो गए। यूँ एक ऐसी वबा जिसमें मरने का इम्कान 2% से भी कम है रातों रात भूत बन गई और अच्छे भलों को भी डराने लगी। ऐसे गैर जिम्मेदाराना समाजी रवैये के असरात ना सिर्फ आम शहरियों पर पड़े बल्कि तालीम याफ्ता और पेशा वराना तबकात भी जद में आ गए। गुज़िश्ता हफ्ते कराची में माहिर अमराज़े क़ल्ब डॉक्टर नोमान उल हक़ की मौत का वाक़या तो आपके इल्म में होगा। हालांकि डॉक्टर साहब ने पूरी ज़िंदगी बीमारियों और मरीजों के दरमियान गुजारी, लेकिन जब उन्हें ख़ुद में कोरोना का शुबा हुआ तो महज इस खौफ के सबब मर्ज के इब्तदाई दिनों में किसी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया कि महल्ले वालों को पता चल गया कि मुझे कोरोना है तो वो क्या सोचेंगे। हालांकि उनकी भतीजी जो ख़ुद भी डॉक्टर हैं वफात से एक दिन पहले तक डॉक्टर साहब के पीछे पड़ी रही कि अस्पताल आके मुआयना करा लें। जब अगले दिन हालात डॉक्टर नोमान के अंदाजों से भी बदतर हो गए तो वो और उनकी अहलिया अमन एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल ले जाए गए जहां उन्हें गलतफहमी के सबब दाखिल नहीं किया गया और फिर घर पर उनका इंतकाल हो गया। यानी जो मसला डॉक्टर साहब मोहल्ले वालों से पोशीदा रखना चाह रहे थे वफात के बाद कौमी खबर बन गया। अच्छी बात यह है कि अब लोगों को कोरोना के बारे में पहले से ज़्यादा मालूमात हैं और वो मुतासर होने वालों के इर्द गिर्द मौजूदगी के ज़्यादा आदी हो गए हैं और आलम खौफ में जो उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी उनमें खासी हद तक कमी देखने में आ रही है। मगर अनहोनी बीमारियों का खौफ जिन तोहमात और बेबुनियाद रिवायतों को जन्म देता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र कर सकती हैं। मसलन कोढ़ के मर्ज सदियों से छूत छात और गैर इंसानी सलूक का शिकार रहे। उन्हें आबादी से निकाल दिया जाता, कोड़ियों की अलहदा बस्ती होती थी जिसमें मरीज ही एक दूसरे का ख्याल रखने पर मजबूर थे। घर वाले भी उनकी खबरगिरी से घबराते थे। कूड़ को नहूसत, आसमानी अजाब, निशान इबरत और जाने क्या क्या समझा जाता था। फिर उसी खुदा के किसी बंदे ने कूड़ का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। पाकिस्तान में 1960 की दिहाई में जर्मन डॉक्टर रूथ फाउ की आमद हुई तो उन्होंने जिस तरह कोढ़ के मरीजों की मदद की, गले लगाया और इलाज किया। इसके बाद मकामी सतह पर कोढ़ से वाबस्ता किस्से कहानियों पर सवालिया निशान लगने लगा। आज ऐसी काया कल्प हो चुकी है कि कोढ़ का वजूद तकरीबन नापैद हो चुका है और जो इस मर्ज से निकल आए उनकी माशरती बहाली मुमकिन हो गई। पाकिस्तानी समाज पर डॉक्टर रूथ फाउ का यह बहुत बड़ा एहसान है। कुछ इसी से मिलता जुलता अहवाल मेरे बचपन तक टीबी के मरीजों का भी हुआ करता था। पुरानी फिल्मों में आशिक अमूमन टीबी से मरता था। टीबी का मतलब ही लगभग सजाए मौत था। आज टीबी के मरीज हमारे दरमियान ही एहतियाती तदाबीर के साथ रहते हैं और चंद माह का तिब्बी कोर्स मुकम्मल करके भले चंगे भी हो जाते हैं। जब 1980 की दिहाई में एड्स का नाम सामने आया तो लगभग ऐसी ही सरासीमगी फैली थी। हालांकि एड्स के बारे में कहा गया था कि ये गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, आलूदा खून, इस्तेमाल शुदा सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल से फैलती है। मगर लोगों को बस ये याद रहा कि इस बीमारी का सबब लवातत और जिनाकारी है। ये भी कहा गया कि मुसलमान माशरे इस बीमारी से महफूज हैं और ये बेरारू मगरबी माशरे की बीमारी है, लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सबब घरेलू पर्दादार खवातीन और चंद माह के बच्चों में भी HIV के केसेस सामने आने लगे, तब कोई न कह सका कि इन बच्चों को एड्स किस वजह से हुई। पिछले कई बरस से इस वबा के फैलाव में खासी कमी आ गई है और अब इसके साथ वाबस्ता दास्तानों में मसाले की मिकदार भी हल्की हो गई है, लिहाजा ये बीमारी आम गुफ्तगू के मौजूआत से कम व बेश खारिज हो चुकी है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, हर नई बीमारी अपने साथ बेशुमार तोहमात और कहानियाँ लाती है और जैसे जैसे इसके हकीकी असबात समझ में आने लगते हैं और इलाज दरियाफ्त होता है तो लोगों की वहशत कम होती चली जाती है और फिर ये वहशत अचानक किसी नई बीमारी के साथ जिंदा हो जाती है। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा, मगर वक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, बस घबराना नहीं है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।